हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पोटली पर्स। तो देखिए, ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा पड़ा है नेट का, और ये सूट का कपड़ा है, और इसको इस तरीके से हमें सिल लेना है। तो ये जो है वेस्ट कतरन था, तो मैंने सोचा इसमें से मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ पोटली पर्स, और देखिए इसके मैचिंग का मैंने एक अस्तर लिया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन चल रहा है, तो इतना थोड़ा बहुत। और फॉर्म ली है हल्की वाली, बिल्कुल हल्की वाली मैंने फॉर्म ली। अगर आपके पास फॉर्म ना हो तो आप बुकरम का भी यूज कर सकते हो, या फिर बुकरम भी ना हो तो आप सोचोगे क्या लें, तो आपके पास कोई पुराना पैंट पड़ा हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, जो मोटा मतलब थिक हो, जैसे कि जींस का पैंट होता है वो। और देखिए, पहले मैंने ऊपर जो मेन पार्ट था वो रखा, उसे उल्टा करके और इस तरीके से मैंने सिल दिया है। वे सेंटर में मैंने फॉर्म वाले पीस को रखा है। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल है 8 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो है देखिए 18.5 इंच की। और अब हमें इसे इस तरीके से स्ट्रिप लेनी है, तो देखिए 2.5 इंच चौड़ी है, और यहाँ पे हमें अब निशान लगाना है। बीच सेंटर में निशान लगा दिया है, और इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम पीछे साइड से सिलेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको सिल दिया है। अब इसे फोल्ड करके इस तरीके से आगे की साइड में हम सिल देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके आपको सिलना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसी में ही हमें डोरी वाले पार्ट को भी बनाना है, इसीलिए। तो देखिए, पहले मैंने इस कपड़े को तिरछा लेते हुए सिल दिया, इसे फोल्ड करके। थोड़ा सा अंदर आना चाहिए, ये जो कोना है ये हमारा सिलाई में नहीं दबना चाहिए, जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो वाला कोना, जो कपड़ा हम ज्वाइन कर रहे हैं वो वाला। तो 1/2 इंच का हमें गैप रखना है इस कपड़े को। अब हमें इसमें सीधी सिलाई फोल्ड करते हुए लगा देनी है, और यहाँ से भी आपको 1/2 इंच अंदर लेते हुए सिलना है। और इस तरीके से ये हमारा देखिए दोनों तरफ से गैप हो गया, तो यहीं से हम डोरी डालेंगे, और 1/2 इंच करीब छोड़ते हुए इसमें हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे सीधी। अब ये हमने डोरी के लिए बीच में हिस्सा छोड़ दिया है, देखिए इस तरीके से। तो आपको अलग से पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सेम तरीके से हमें इसमें भी सिल देना है। तो देखिए, सेम तरीके से मैंने दोनों पार्टों में इसको अटैच कर दिया है कपड़े को। अब आपको इस तरीके से दोनों कपड़े को मिक्स करके रखना है, और आलपिन से अटैच कर देना है। अब देखिए, अटैच करने के बाद में चारों तरफ से आपको आलपिन से सेट करना है, और सेट करके से आपको फिर से फोल्ड करना है दोनों कपड़ों को, फिर से आपको आलपिन से सेट करना है, ताकि ये हिले ना कटिंग करते वक्त। और नीचे की साइड से आपको हल्की सी राउंड शेप दे देनी है, तो ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी है आपको, हल्की सी देनी है। और जो हमने राउंड शेप दिया है इसमें नीचे से, उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए, दोनों हिस्सों को मैंने बराबर रखते हुए कट कर दिया है, ताकि दोनों हिस्से हमारे बराबर हो जाएं। तो ये हमारा शेप हो चुका है पर्स का, जिस शेप में हम बनाने वाले हैं। अब फिर से मैंने आलपिन लगा दी है, सेट कर दी है, और एक लेस ली है, जिसको हम जो लटकन वाली लेस होती है वो वाली लेस ली है, ताकि बाहर की साइड में लटकेगी तो अच्छी लगेगी। तो इसको अंदर की साइड में रखते हुए इसे आपको चारों तरफ से सिलना है। तो देखिए, इस तरीके से मैं अंदर की साइड में इसको अटैच करती जा रही हूँ। तो देखिए, अंदर रखी है मैंने इसको लेस को, और जो किनारी वाला पार्ट है वो सिलाई में दबाती जा रही हूँ, और जो लटकन वाला पार्ट है उसे अंदर की साइड में सेट करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको सेट करते जाना है, या फिर पहले ही आप आलपिन से सेट कर लीजिए और फिर ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। तो आपको धीरे धीरे ही सिलाई लगानी है, नहीं तो आपकी जो
लेस है वो, ऐसा ना हो कि कहीं अंदर की साइड में ही रह जाए और फिर आपको सिलाई निकाल के फिर दोबारा से करना पड़े, तो इसीलिए आपको एक ही बार में सेट करके करना है। तो देखिए सेम तरीके से मैंने पूरे में इसको सिलाई लगा दी है और कोने से बराबर लेते हुए इसको मैंने कट कर दिया है। और इस देखिए इसे हम अब सीधा कर देंगे, सीधा करने के बाद में इसका कुछ लुक इस तरीके से आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। तो जितना कपड़ा अच्छा होगा उतना ही हमारी प्यारा पर्स बनने वाला है। तो कपड़ा थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब अच्छा है लेकिन कम अच्छा है, तो लेकिन हाँ काम चल जाएगा। लेकिन और भी अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं ना, अगर आप उसमें से बनाओगे ना ब्लाउज की मैचिंग का बनाओगे ना तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया है, ऊपर की साइड में डोरी के लिए पकड़ने के लिए हैंडल लगा दिया है लेस का ही। अभी हमने देखी करीब दो दो तीन तीन इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए डोरी को कट कर लिया है। दो डोरी लिए हमने डबल फोल्ड करके, और देखिए इस एक डोरी की लंबाई करीब 25 इंच की है। अब इसको हमें देखिए पिन में बांध के सेफ्टी पिन में बांध के इसको अंदर की साइड में डालना है, जो हमने नीचे की साइड में जो हिस्सा छोड़ा है आधा इंच का सा डोरी डालने के लिए। अब एक तरफ से आपको शुरू करना है डालना और इसे आपको फिर दूसरी तरफ से निकालना है। तो आपको पूरे राउंड में लेते हुए इसको डोरी को निकालना है। तो वहाँ से मैंने आलपिन लगा दिया ताकि हमारी जो डोरी है वो निकले ना, और इधर से भी आपको फिर इसी एक ही डोरी को फोड़ना है। तो देखिए ये हमारी डोरी एक डल चुकी है, दोनों हिस्से मतलब कि एक तरफ निकलेंगे हमारे एक डोरी के। और फिर जिधर से हमने ये वाली डोरी डाली है और दूसरी तरफ से फिर हमें दूसरी डोरी डालनी है। तो ये हमारी एक डोरी डल चुकी है, इसे तो हमने दूसरी साइड से डाला, तो दोनों डोरियों को हमने देखी दोनों तरफ निकाल दिया है। अब आपको इसमें लटकन लटकाने हैं, बाजार के लटकाने तो बाजार के भी लटका सकते हो, लेकिन मैं घर के ही सिंपल कपड़े के ही बना रही हूँ। तो इसमें आप जैसा लुक दोगे बढ़िया वैसा ही लुक आपका आने वाला है पर्स का, तो बहुत ही प्यारा सा हमारा पर्स बनेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जैसा कपड़ा होगा उसी तरीके से आपका पर्स भी रेडी होगा, बहुत ही प्यारा सा। तो ये हमारी लटकन बनके रेडी हो चुकी है देखिए, और ये हमारा पर्स भी रेडी है। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारे ये पर्स कैसा लगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर पर्स है, पार्टी वियर आप इसे यूज कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।